नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सपने में रोगी देखने का क्या मतलब होता है, सपने में पेशेंट देखने का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि सपने हमें हमारे फ्यूचर में क्या अच्छा या फिर क्या बुरा होने वाला है इसके बारे में बताता है, क्या शुभ या क्या अशुभ होने वाला है ये बताता है। तो दोस्तों, यदि सपने में हम रोगी देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? अगर आप सपने में खुद को ही रोगी के रूप में देखते हैं, तो ये सपना कहता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप रोग मुक्त होने वाले हैं, रोग मुक्ति के योग बनने वाले हैं। यदि आप खुद बीमार चल रहे हैं तो आप जल्द से जल्द ठीक होने वाले हैं। यदि घर परिवार में कोई बीमार चल रहा है, कोई शारीरिक कष्ट से गुजर रहा है, तो वो जल्द से जल्द ठीक होने वाला है, इस सपने का ये अर्थ होता है। साथ ही दोस्तों, यदि किसी और को आप देखते हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसा सपने में आप देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको जीवन में अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहना चाहिए। साथ ही आपकी जो संपत्ति है उसका ध्यान आपको रखना चाहिए, आने वाले टाइम में आपको संभल कर चलना चाहिए। साथ ही यदि आपको कोई मानसिक परेशानी है, तो ये सपना कहता है कि आप जल्द से जल्द उस मानसिक परेशानी से आप बाहर निकलेंगे, आपको उस परेशानी से निजात मिलेगी फ्यूचर में। यदि आप अपने आसपास बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं सपने में, तो ये सपना कहता है, इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन में संभल कर चलना होगा, फिजूल में पैसे खर्च नहीं करना है, पैसे को बचा कर चलना है, हेल्थ का ख्याल रखना होगा आपको, इस बात का आपको ध्यान देना है। ओवरऑल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ही सपना है, ये कोई बुरा सपना खराब सपना नहीं माना जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, और वो है अपने आप पर, अपने हेल्थ पर, अपने पैसों पर, और फिर आपका मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, साथ ही कह दूं कि सपने आप अच्छे वाले देखें या बुरे वाले देखें, किसी सपने का जो प्रभाव है वो अच्छा होता है, किसी का प्रभाव जो है बुरा होता है, कोई शुभ देता है, कोई अशुभ होता है। तो आप क्या करें कि आप रोज़ अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर ध्यान करें, पूजा पाठ करें, और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो भी सपना देखा है उसका जो भी दुष्प्रभाव है वो दूर करे, और अगर उसका कोई अच्छा सपना आपने देखा है तो उस सपने का फल आपको अपने आप ही मिलेगा। बस भगवान से आप उनका आशीर्वाद मांगे, उनका साथ मांगे, और फिर आप दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, इष्ट देव देवी की पूजा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा, वो हर समस्या से आपको बचाएंगे। तो दोस्तों, इस सपने के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा।